हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग का नया चैप्टर ऑर्डर अरेंजमेंट। ऑर्डर अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसमें हम देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट और लाइन अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने की कोशिश करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं डेली आपको ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो, करंट अफेयर की वीडियो, मैथ की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो मिलती रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हर टाइप के क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में बैठी हैं, यानी कि एक लाइन में 5 लड़कियाँ बैठी हैं एक कॉलेज पार्टी में। पी एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर है। देखिए, पी जो है एम के तो बाईं ओर बैठा है, बैठी है, और ओ के दाईं ओर बैठी है। यानी कि अगर एम को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये इसका दाईं और ये बाईं हो जाएगा। तो पी के तो बाईं ओर है तो पी के बाईं ओर यहाँ पे हो जाएगा, और ओ के दाईं ओर यानी कि ओ अगर यहाँ पे होगा तो ओ का दाईं ओर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं इसे ही बिल्कुल, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो एम को मैंने यहाँ पे बैठाया, एम का दाईं ओर ये हो गया, बाईं ओर ये हो गया, तो पी के तो बाईं ओर है तो पी के यहाँ पे बैठ गई, और ओ के दाईं ओर है तो ओ का दाईं ओर ये हो गया। यानी कि इन तीनों को हमने बैठा दिया। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है बट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन को और चैप्टर को भी। यहाँ पे बोला जा रहा है आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। तो देखिए, आर जो है ओ के बाईं ओर है और एन के दाईं ओर है, तो ओ के बाईं ओर कब होगी, जब ओ यहाँ पे बैठा है और ओ का दाईं ओर ये है तो बाईं ओर ये होगा, तो आर यहाँ पे बैठा होगा, बैठी होगी सॉरी, ये इसके बाईं ओर। ठीक है, ओ के तो बाईं ओर है, एन के दाईं ओर है, तो एन का दाईं ओर ये हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आर यहाँ पे आ गया। तो पूरा क्वेश्चन हो चुका है आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है, मध्य में कौन बैठी है, तो बीच में कौन बैठी है आप देख लीजिए भाई। दो इस साइड में छोड़ दीजिए, दो इस साइड में, ओ बीच में बैठी है, तो ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो साथ ही साथ आप भी क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए और जो भी आपके आंसर राइट होते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं और साथ ही साथ आप भी ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं, कबूतर तोते के दाईं ओर है। देखिए, कबूतर तोते के दाईं ओर है, यानी कि अगर मैं कबूतर को सॉरी तोते को यहाँ पे बैठाऊँ तो इसका दाईं ओर ये होगा तोते का, और तो कबूतर जो है वो तोते के दाईं ओर है, तो यहाँ पे हो जाएगा कबूतर। भाई क्वेश्चन में बोला तोते के दाईं ओर कौन है, कबूतर है, तो तोते को मैंने यहाँ बैठाया तो इसका दाईं हो गया, ये बाईं हो गया, तो दाईं ओर कबूतर बैठा है तो यहाँ पे बैठ गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तोते के दाईं ओर है, गोरैया तोते से ऊपर है, तो गोरैया को तोते से ऊपर बैठा देते हैं, यानी कि एक स्टेप ऊपर कर दिया, यहाँ पे गोरैया आ गई। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है, कौवा कबूतर से अगला है, तो आपका कबूतर कहाँ पे बैठा था, यहाँ पे, और कौवा कौन सा हो जाएगा, अगला है, तो नेक्स्ट इसका ये कौवा हो जाएगा। ये भी हो गया, एक एक लाइन को पढ़ते रहिए, उतना ही करते रहिए। ठीक है, पूरी लाइन को पढ़ के करने की जरूरत नहीं, जितना आपको मतलब समझ में आए वहाँ तक ही करिए। कबूतर से अगला है, फिर यहाँ पर बोला जाए सारस कौवे से नीचे है, सारस जो है वो कौवे से नीचे है, तो सारस ये कौवे से नीचे आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल आपने यहाँ पे बना दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कौन सा पक्षी मध्य में है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मध्य में कौन है। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों इस साइड हो गए, ये दोनों इस साइड हो गए, तो एक बीच में कौन आ गया, कबूतर, कबूतर मध्य में है, तो यहाँ पर राइट आंसर कबूतर हो जाएगा। आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 में क्या बोला जा रहा है, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, ये आपके हो गए 5 बंदे, 5 ये ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हैं, जिसमें बोला जा रहा है उनमें ए बी के बराबर में बैठा है। तो सबसे पहले ए और बी को साथ में बैठा देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है ए बी के बराबर में बैठा है, अगर मैं ए को यहाँ पे बैठा दूँ, बी को यहाँ पे बैठा दूँ, तब भी ए बी के बराबर में है, अगर बी को मैं यहाँ पे बैठा दूँ तब भी ए बी के बराबर में है। तो अभी ये डिसाइड नहीं है कि ए बी यहाँ पे है या बी यहाँ पे है। ठीक है, तो बी यहाँ पे भी हो सकता है, बी यहाँ पे भी हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी चलते हैं, पूरा धीरे धीरे क्वेश्चन क्लियर होगा।
फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है बी के बराबर में बैठा है, सी डी के बराबर में है परंतु डी ई के पास नहीं बैठा क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पे बैठा है। दोबारा से पढ़ते हैं, सी डी के बराबर में है, सी और डी के बराबर में बैठे हैं मतलब बराबर में दोनों, और यहाँ पे बोला जा रहा है ई के पास नहीं बैठा, डी ई के पास नहीं बैठा है क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पे बैठा है। तो सबसे पहले ई को हम बाएं किनारे पे बैठा देते हैं, बाएं किनारा कौन सा होता है ये, तो यहाँ पे बैठा दिया। सी डी के बराबर में है तो अभी भी हमें क्लियर नहीं कि डी यहाँ पे है या यहाँ पे है, क्योंकि सी अगर यहाँ पे हम डी को रख दें और सी को यहाँ पे रख दें तो तब भी ये बराबर में ही होंगे, और अगर यहाँ पे रखे डी को यहाँ पे रखे और सी को यहाँ पे रखे तब भी ये बराबर में होंगे। तो ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ कि डी यहाँ पे है या यहाँ पे है, ठीक है। बट ई का हमें कन्फर्म हो गया कि बाईं ओर बैठा है, चलिए यहाँ तक हो गया बाएं किनारे पर बैठा है। सी का स्थान दाएं से दूसरा है, अब हमारा क्लियर हो गया कि दाएं से दूसरा सी कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे है, यानी कि दाएं ओर से दूसरा। अब हमें क्लियर हो गया कि सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे, बिल्कुल कंफर्म हो गया, दोनों के स्थान हमने फिक्स भी कर दिए, ठीक है। ये हो गया ई के सी का स्थान दाएं से दूसरा है। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं, ए बी और ई के दाएं ओर है, ए जो है बी और ई के दाईं ओर है, यानी कि अब हमारा ए का भी स्थान फिक्स हो गया, ई यहाँ पे बैठा है बी यहाँ पे बैठा है, तो ए ई और बी के दाईं ओर बैठा है। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि ए का स्थान यहाँ पे, हमें ई का पता चल गया, सी का पता चल गया, डी का पता चल गया, और जब ई इन का पता चल गया तो बी आपका ऑटोमेटिक इस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसका कोई स्थान चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी सारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। परंतु ए और सी का स्थान बैठा है, देखिए ए जो है बी और ई के दाईं ओर दाईं ओर है, परंतु ए और सी साथ बैठे हैं, ए और सी को साथ में बैठाना है, वो ऑटोमेटिकली ए और सी साथ में आ जाएंगे क्योंकि ये दूसरे स्थान पे जब आएगा यहाँ इन इससे दूसरे स्थान पे आएगा ई और बी के, तो ये साथ में ही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है भाई, ए और सी साथ में बैठे हैं, तब ए किन किन दो व्यक्तियों के मध्य बैठा है ये आपसे पूछा गया है, ए किस किस के बीच में बैठा है ये आपको बताना है। तो ए के देखिए साइड में इधर क्या है, बी है, इधर क्या है, सी है, तो ये हो जाएगा ए बी और सी के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका बी और सी, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, अगर कहीं पे भी डाउट लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं, ठीक है, यानी कि आपका कुछ इस तरीके से घेरा होगा, उसके चारों तरफ बैठे होंगे और ताश खेल रहे हैं, यानी कि उनका फेस अंदर की तरफ को है। ये भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि फेस किस डायरेक्शन में है, कई बार घेरे में बैठे होते हैं सभी का फेस बाहर की तरफ को होता है, अभी ताश खेल रहे हैं तो इसका मतलब सभी का फेस अंदर की तरफ को है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहला केनी डेनी के बाईं ओर है, तो सबसे पहले हमने एक घेरा बनाया और ये घेरा बनाने के बाद में क्या लिखा, केनी को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। केनी डेनी के बाईं ओर है, तो डेनी अगर यहाँ पे होगा तभी केनी बाईं ओर आएगा, तो ये आपका केनी डेनी के बाईं ओर आ गया, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे बोला जा रहा है बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, तो बॉबी और जॉनी के बीच में कौन हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे मैं बॉबी को बैठा देता हूँ जॉनी को, तो माइकल यहाँ पर आ जाएगा, या फिर जॉनी को यहाँ पे बैठा दूँ और बॉबी को यहाँ पे बैठा दूँ तब भी आपका माइकल बीच में आएगा। तो अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि इधर बॉबी है या इधर बॉबी है, या इधर जॉनी है या इधर जॉनी है, अभी इसको क्लियर होगा तो एक बार पूरी लाइन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है नेक्स्ट, माइकल बैठा दिया, केनी और बॉबी के बीच में रोजर है, ठीक है, केनी और बॉबी के बीच में, अगर बॉबी को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ तभी केनी और बॉबी के बीच में रोजर आएगा, तो इसका मतलब बॉबी का स्थान ये हो गया और जॉनी का स्थान ये हो गया, ये क्लियर हो गया है, समझे आप इस चीज़ को। मैंने क्लियर कैसे किया, क्योंकि इन दोनों के बीच में कब बैठेंगे, अगर मैं इसको बॉबी को यहाँ पे बैठा दूँ तो इनके बीच में तो दो बंदे आ जाएंगे ना, अगर इसको यहाँ पे बैठा दे यहाँ पे बैठा दे तीन आ जाएंगे, ठीक है, तो ये तीन हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे बोला है बॉबी और केनी के बीच में एक ही बंदा है, ठीक है, तो रोजर यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉबी और केनी के बीच में, तो जॉनी का यहाँ पे फिक्स हो गया, तो सभी के स्थान फिक्स हो गए। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, केनी और बॉबी के बीच में रोजर है, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है, माइकल कहाँ पे है, माइकल आपका हो गया ये इन दोनों के बीच में बताया गया था, तो दाईं ओर पूछा है, दाईं ओर बॉबी हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर बॉबी हो जाएगा, ठीक है भाई, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप उनको जरूर करके आइएगा, छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि अभी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपका RPF SI में आई थिंक पूछा गया था, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने कराए नहीं है। कराए मैंने पहले भी थे, बट इस टाइप के क्वेश्चन अगर अब की बार आते हैं तो देख लीजिएगा कि सर्कल में बोला गया है या राउंडेड किस तरीके से बोला गया है बैठाने के लिए, या लाइन में बैठाने के लिए बोला गया है, फेस बाहर की तरफ को है, फेस अंदर की तरफ को है, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 में बोला जा रहा है 5 पुस्तकें ABCDE है, इनमें सी डी के ऊपर है, तो आप कहीं पे भी लिख दीजिए सी डी के ऊपर है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अगर ये पुस्तक यहाँ पे रखता हूँ और सी इसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि सी डी के ऊपर है, ठीक है। चलिए इनमें सी डी के ऊपर है, इनमें सी डी के ऊपर हो गए, ई ए के नीचे है। अब आप कहीं भी लिख दीजिए ए को, ई ए के नीचे ही आएगा, इस चीज़ को बस क्लियर होना चाहिए आपको, ई ए के नीचे आ गया। नेक्स्ट लाइन में बोला है एक एक के ऊपर है, सॉरी हाँ डी के ऊपर है, यहाँ पे बोला गया था पूरी लाइन ई ए के नीचे है तथा डी के ऊपर है, तो डी के ऊपर आपको समझ गए, देखिए डी के ऊपर है, ई जो है ए के नीचे है और ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर है, ठीक है। तो डी ए के ऊपर कहाँ पे हो जाएगा, ये अगर ए को यहाँ रखेंगे डी ऊपर आ जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, तो क्लियर है यहाँ तक की। चलिए फिर नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है ए के ऊपर है, हाँ यहाँ एवं बी ई के नीचे है, तो बी कहाँ पे आ जाएगा, ई के नीचे, तो ई का नीचे यहाँ हो जाएगा। तो अब क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, सबसे नीचे वाली पुस्तक है, तो सबसे नीचे वाली पुस्तक सीधी सीधी से आंसर आ रहा है आपका ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में बोला जा रहा है 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू और आर, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति में अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं, यानी कि ऊपर नीचे इस तरीके से बैठे होंगे 2 पंक्ति में 6 आदमी, 3 ऊपर 3 नीचे, और यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट किया गया है क्यू से, क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी कि अगर 3 इसमें बैठे हैं, 3 इसमें बैठे, तो क्यू इधर इधर नहीं आ सकता, इधर इधर नहीं आ सकता, अंत में नहीं है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है पी आर के बाई ओर दूसरे स्थान पर है, तो पी आर के बाई ओर कहाँ कब आएगा भाई, पी आर के बाई ओर तब आएगा अगर आर को मैं यहाँ पे बैठा दूँ, तो ये इसका बाई ओर हो जाएगा और ये इसके बाई ओर से दूसरे स्थान पे, यानी कि बीच वाला छोड़ के ये यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों के स्थान हमें मिल गए, आर यहाँ पे आएगा, पी यहाँ पे आएगा, ठीक है भाई। हाँ तो नेक्स्ट बोला जा रहा है ओ क्यू का पड़ोसी है, तो ओ क्यू का पड़ोसी देखें यहाँ पे, अगर मैं ओ को यहाँ पे बैठाऊँ तब भी ये क्यू का पड़ोसी है, और क्यू को अगर ओ को यहाँ पे बैठाऊँ तब भी ये क्यू का पड़ोसी है, तो अभी इन दोनों का क्लियर नहीं है कि यहाँ पे कौन सा आएगा, ठीक है, यहाँ पे ओ हो सकता है, यहाँ पे क्यू हो सकता है, तो ये बट आप दोनों पड़ोसी हैं, तो ये चीज़ हमें पता चल चुकी है। और पी के विकर्णवत समूह है, तो यहाँ पे देखिए पी के विकर्णवत समूह है, इसका मतलब ये है यानी कि आपका पी के सामने नहीं है, ठीक है, तो ये ओ और क्यू आपका हो गया पड़ोसी, ठीक है, और यहाँ पे अभी एम का डिसाइड नहीं है, तो एम आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो एम आपका लास्ट में आ गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है एन आर का पड़ोसी है, तो एन आर का पड़ोसी का मतलब क्या हुआ भाई, देखिए आर और पी का डिसाइड हो चुका था, एन बीच में आ जाएगा तभी एन आर का पड़ोसी बन गया। चलिए एन अगर वहाँ पे फिक्स है तो एम नीचे आ ही जाएगा, वो आपका क्लियर हो चुका है। और उपरोक्त सूचना के आधार पर एन के सम्मुख कौन है, देखिए जब n यहाँ पे आ गया और q का फिक्स यहाँ पे हो चुका है, m यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो n के सामने कौन है, तो n के सामने q हो जाएगा, तो n के सामने q राइट आंसर आपका q हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के इर्द गिर्द स्थायी रूप से रखी कुर्सी पर बैठे हैं, किंतु आवश्यक नहीं है कि उनके बैठने का क्रम यही है, यह देखा गया है कि देखिए यानी कि ए जिस लाइन में बोला गया है इस तरीके से नहीं बैठे हुए हैं, वो एक गोलदार मेज पर बैठे हैं, बैठे किस तरीके से वो देख लेते हैं। ए डी और एफ के बीच है, तो ए डी और एफ के बीच कब आएगा भाई, डी या तो इधर होगा या इधर होगा, ठीक है, या तो इधर होगा डी या इधर एफ होगा, बट इनके दोनों के बीच में है, अभी डिसाइड नहीं है कि एफ इधर है या इधर है,
तो अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में पढ़ के, सी डी के सम्मुख है, तो डी जिधर बैठा है वो उसके सामने सी बैठा होगा। अगर डी को हम यहाँ पे बैठाएं तो सी यहाँ पे बैठा है, अगर डी को हम यहाँ पे बैठाएं तो सी यहाँ पे बैठा है। अभी ये क्लियर नहीं है, ठीक है। सी डी के सम्मुख है, डी और ई अगल बगल कुर्सी पर नहीं है और डी बी के दाईं ओर है। ठीक है, डी बी के दाईं ओर आएगा, सॉरी बी के बाईं ओर बोला है शायद, डी बी के, हाँ ठीक है, बी के बाईं ओर है, दाईं ओर है सॉरी, तो ये बाईं ओर होगा, तो इसके डी के दाईं ओर ये हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे बैठा है तो एफ यहाँ पे हो जाएगा। अगर ये इन दोनों का स्थान फिक्स हो गया तो डी के सामने कौन है, सी है, तो सी का भी स्थान फिक्स हो गया। यानी कि हमारे किन किन का स्थान फिक्स हो गया, इसका 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 इसका, और जब ये इसके दाईं ओर है तो बी का भी फिक्स ही हो गया है, बचा आपका ई। तो ई जहाँ पे एक स्पेस बचा है वो ई वहाँ पे बैठ जाएगा। बट यहाँ पे एक लाइन और बोली जा रही है, डी और ई अगल बगल कुर्सी पर नहीं है, डी बी के दाईं ओर है, बी के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, बी के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पे देखिए बाईं ओर कौन बैठा है, देखिए दाईं ओर डी है, बाईं ओर आपका ई हो जाएगा, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। मैंने बोला था आपका जो स्थान बच गया उस पर ई बैठ जाएगा, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर है, तो सी बी के बाईं ओर और डी के दाईं ओर हो जाएगा, तो सी इन दोनों के बीच में बैठा है। तो आप यहाँ पे अगर सी को बैठा देते हैं तो बी का बाईं ओर और डी का दाईं ओर हो जाएगा ये, ठीक है, ये पोजीशन। तो यहाँ पे हमें तीन का तो पता चल गया, इन तीनों के का स्थान क्या है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है ए बैठा है बी के दाईं ओर, तो ए बैठा है बी के दाईं ओर, यानी कि बी अगर यहाँ पे बैठा दिया था हमने तो इसका दाईं ओर ये हो जाएगा, तो ए का स्थान ये हो जाएगा। तो हमें मिल गया है इन चारों के स्थान कि कहाँ कहाँ पे बैठे हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर एच बैठा है, एफ बैठा है ई के दाईं ओर, तो ई बट ई के सॉरी एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर एच है, तो डी के बाईं ओर तो एच हो जाएगा, ठीक है, और तो एफ ई के दाईं ओर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ई को हम यहाँ पे बैठा है ये इसका दाईं ओर हो जाएगा, तो एफ आपका यहाँ पे बैठा है। फिर दोबारा से पढ़ते हैं लाइन को, थोड़ा थोड़ा पढ़ के करते हैं क्योंकि पूरी लाइन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर है, यानी कि डी के बाईं ओर है, एफ जो है वो ई के तो दाईं ओर है किंतु डी के बाईं ओर है, तो डी के बाईं ओर कहाँ पे हो जाएगा, अगर डी को हम यहाँ पे बैठाए तो इसका बाईं ओर ये हो जाएगा। तो ई एफ और डी का हमारा पहले से स्थान फिक्स है, तो इन सभी का स्थान फिक्स हो चुका है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है एच बैठा है ई के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाईं ओर, तो ई का बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, अगर ई यहाँ पे बैठा है तो इसका बाईं ओर ये, तो एच यहाँ पे बैठा है, तो इन सभी के स्थान आपको मिल गए। ठीक है, बीच में कौन बैठा है, तो यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बीच में कौन बैठा है। देखिए तीन आपके इस साइड में, तीन इस साइड में, तो बीच में आपका डी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका 8वां क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर 9 को आप खुद घर से ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन इसी टाइप का मैं पहले करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका एच डब्ल्यू है, होमवर्क है, तो इसको ट्राई करिए, और जो भी इसका राइट आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप घर से ट्राई करेंगे, और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख बता दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नहीं हुए, तो उनको मैं आपको कराऊंगा फिर किसी प्रैक्टिस वाली वीडियो में, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं याद रखूंगा कि मैंने नहीं कराए थे, इन दोनों को मैं करा दूंगा। अगर सभी के आंसर आ गए तो नहीं कराएंगे, अगर किसी के आंसर नहीं आया एक भी बच्चे का, तो इनको दोबारा से हम करा देंगे, टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 9 और 10 आपको करना है घर से, और इसमें सभी में आंसर भी दे रखे हैं मैंने इस पीडीएफ में, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपिक स्टडी सर्च कर ले करिएगा टेलीग्राम पे जाके। आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे सर्चिंग का जो ऑप्शन होता है उस पर टॉपिक स्टडी सर्च करिएगा, तो जो सबसे ऊपर लिंक आएगा वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे अपडेट मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी, ट्विटर पर, तो आप सर्च करिएगा सौरभ मलिक, SAURABHMALIK। तो अगर आप सर्च करते हैं सौरभ मलिक तो आपको सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा।
कोई भी डाउट रहता है तो डायरेक्ट आप मुझसे मैसेज करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।